ये रख लो जाओ ये निशान भाई ज्यादा भी आदमी लोग करीब नहीं आना, ये अवार्ड बहुत वजनदार है, सर में पड़ गया तो उठ नहीं पाओगे। ये 2.5 किलो का हाथ या पंप नहीं है, ये अवार्ड है नारी शक्ति का है, ये नारी शक्ति का अवार्ड है, कोई 2.5 किलो का पंप और हाथ नहीं है। हाँ जी जी, इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2023 राखी सावंत। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड की, के हमारे जो मेरे फेवरेट क्रिकेटर भज्जी जो हरभजन जी, जो इन्होंने अपना कीमती वक्त लेकर यहाँ पर आए, और हम जैसे जो हम इतनी मेहनत करते हैं सालों साल, और उन्होंने उनके पवित्र हाथों से, उन्होंने हमें जिन हाथों से वो इंडिया को जिताते आए हैं, चौके छक्के लगाते आए हैं, और क्या बोलते हैं बॉलिंग खतरनाक करते आए हैं उनकी जो मैदान में, उन्हीं हाथों से आज मैंने ये अवार्ड लिया है। बहुत ही ग्रेट मैं अपने आप को महसूस कर रही हूँ, पावरफुल महसूस कर रही हूँ, कि वीडियो भी है मेरे पास, मैं आपको शेयर कर देती हूँ, कि थैंक यू भज्जी जी कि आप अपना अभी, हालांकि इतनी बड़ी मैच चलने वाली है यू नो श्रीलंका में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो आप सोचिए कि अभी उनकी फ्लाइट भी है, वो जा भी रहे हैं मैच खेलने, और अभी आप सोच सकते हैं वो यहाँ पे भी, एक कदम उनका इंडिया में है और एक दूसरा कदम अभी वो श्रीलंका में भी रखने वाले हैं, और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है यहाँ पर, आर्टिस्ट है, स्टार्स है, सेलिब्रिटीज़ है, उन सबको अवार्ड दे रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ भज्जी साहब आपकी, और इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड की। राखी जी आपने काफी डायमंड जो है जो नेकलेस वो सब कुछ आपने बनाया, जूता भी देख लो जी, मैंने सुना है अभी के किसी ने मुझ पे 200 करोड़ का केस किया हुआ है, उनको शर्म आनी चाहिए, मेरी कीमत 500,000 करोड़ से भी ज्यादा है, तो 500,000 करोड़ का केस करो, करना है तो 200 करोड़ क्या है आप ये देख सकते हैं, जूते पे कैमरा डालिए, ये 500 करोड़ तो मैंने यूं ही पहन रखे हैं, आप देख सकते हैं पूरे हीरे जवाहरात। चलिए अभी बोलिए, तो आदिल ने बोला है कि उन्होंने दो डेफिनेशन आपके ऊपर फाइल किया है, क्या कहना चाहोगे? हमने जो पहले आपके जो जो भी जिनका नाम आपने बोला है, मैं इनको जानती नहीं हूँ, और फर्स्ट ऑफ ऑल उनको इंटरव्यूज देखने चाहिए, कि मैंने वो जो केस था वो राजेश्वरी मोरे पे किया था, यू नो 100 करोड़ का, क्योंकि उन्होंने बहुत बदतमीजियों से बात करा, बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए, तो और वो झूठ बोल रहे हैं कि उन पे मैंने केस किया, मैंने वो दूसरी जो लड़की है, दिन में भैया रात में सैया, देखिए जब हाथी चलते हैं तो कुत्ते पीछे भौंकते हैं, है ना, तो मैं चलती हूँ, मेरे पीछे 1,000 कुत्ते भौंकते हैं, मैं किस किस का जवाब दूँ और किस किस को काटूँ ना, और जिस दिन मैं काटने जाऊंगी उसके इंजेक्शन भी नहीं बने होंगे। मैं पहले जाने ये भी कहा है कि अगर मेरे ब्रांड को बदनाम किया जाएगा मैं अगले की सुसाइड कर लूंगा, उन्होंने ये भी कहा है, तो क्या कहना चाहेंगे उसको? बोलिए सिर्फ करेला खा के दिखाए कच्चा, उसके बाद में बात करेंगे। राखी सावंत के पास हर सवाल का जवाब है, क्योंकि राखी सावंत सच्ची है, अब तो मुझे अल्लाह अब्बा पिता खुदा का आशीर्वाद भी मिल चुका है, और आज आप मेरा लुक देख रहे हैं, पहले मुझे लगा था कि मैं अबाया पहनूंगी तो मुझे बॉलीवुड में कोई खड़ा नहीं करेगा, बॉलीवुड में मुझे कोई काम नहीं देगा, और जब मेरे सर पे खुदा का हाथ है, देश की जनता का हाथ है, अल्लाह का हाथ है, तो चाहे मैं ऊपर से नीचे तक ढकी भी रहूंगी, तो मेरी जो रज़ाक है, जो मुझे मेरी रोजी रोटी है,
खुदा मुझे ऐसे भी दे देगा जी। देखिए बहुत ही मेरे सॉन्ग्स, मेरी वेब सीरीज, मेरी फिल्में आने वाली है। और किसने कहा कि एक लड़की जब अबाया ऊपर से नीचे तक टक्कर आती है, अबाया पहनकर आती है, बॉलीवुड उसे साथ नहीं देता। मैं इस बात को एकदम गलत साबित कर दूंगी। आज आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल अरबी लुक, एक इस्लामिक लुक मैं लेकर आई हूँ। इसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि सब ने कहा है कि मैं उमरा करके आई हूँ तो आप मुझे वैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो मैं खुदा से मैं दुआ करूँगी कि, और पूरे देश से जितने भी इस्लामिक लोग जो इस्लामिक नहीं है उनसे भी दुआ करूँगी कि मुझे ऐसे कपड़ों में ही बॉलीवुड में काम मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मीडिया का, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जनता का, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मुस्लिम भाई बहनों का और सारे हिंदू भाई बहनों का जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। नहीं जी, जैसा देश वैसा भेष होता है, तो वैसे ही अगर ये लुक्स, अभी मैं उमरा से आई हूँ तो डेफिनेटली मैं अपना ये लुक्स बरकरार रखूँगी। वर्ल्ड में जितने भी अबाया ये बनाते हैं, बुरखे अबाया, आप लोग मुझे स्पॉन्सर करें। मैं हर वक्त अलग अलग स्पॉन्सरशिप में अबाया पहनना चाहूँगी और डायमंड के नेकलेस और ये पर्स और जूते भी दे सकते हैं। शुक्रिया। क्या इस अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहूँगी? सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी टाइम्स ऑफ प्लॉट की पूरी टीम को, क्योंकि जब भी आप हार्डवर्क करते हो और अपने काम को जब सराहना मिलती है तो बहुत खुशी मिलती है और प्रोत्साहन मिलती है कि आप इसी तरीके से अच्छा काम करते रहो। सो थैंक यू सो मच। किसी के लिए भी ये बहुत ही एक्साइटिंग बात होगी एंड ऑफ कोर्स हरभजन सिंह इज़ हियर, जैसा आपने कहा मैच के बावजूद, इट्स स्पेशल। माय अपकमिंग प्रोजेक्ट, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल गन्स एंड गुलाब्स इज़ आउट, तो प्लीज़ देखिएगा नेटफ्लिक्स पर। और एक और शो नेटफ्लिक्स के लिए है जिसके लिए शूट कर रही हूँ, विच इज़ कॉल्ड फ्लाइट इनटू फियर, डायरेक्टेड बाय अनुभव सिन्हा, तो दैट इज़ ऑल्सो कमिंग आउट, यू कैन कैच दैट नेक्स्ट ईयर। सारे एंटरप्रेन्योर्स को उन्होंने मोटिवेट करा, टाइम ऑफ प्लॉट की पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा, हरभजन वॉज वेरी सपोर्टिव और कितना उन्होंने सबको हमारे साथ सपोर्ट करके अवार्ड दिए। आई फील ऑनर्ड ब्लेस्ड एंड आई होप जितने भी अवार्डीज हैं उनको जो अवार्ड मिला है दे विल कीप मोटिवेटेड नाउ एंड दे डू गुड मोर फॉर द इंडिया। थैंक यू। आज मला ह्या इथं बोलून कंपनीला तुम्ही जे आहे ते चांगलं प्रोत्साहन दिल्याबद्दल, टाइम्स ऑफ प्लॉटचं जे आहे ते मनापासून टाइम्स ऑफ प्लॉटला पुढे जाऊन शुभेच्छा देतो। फ्युचरमध्ये अशीच टाइम्स ऑफ प्लॉट प्रगती करत राहावी यासाठी त्याच्यासाठी हार्दिक शुभेच्छा आहे। थँक यू। हमारे यहाँ वॉर्ड रखने की जगह भी नहीं है। लोग What do you want to say? मैं बोलूँ, आई द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, वन ऑफ देम हैज़ टू बी वेन बजी सर गिव मी द अवार्ड। आई वेंट इन हग एंड सेड, आई एम लाइक यार सर बहुत मजा आ रहा है सर आपके पास में खड़े, यू आर अमेजिंग, योर पैशन, बिकॉज आई लव इट, आई लव हिज पैशन। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। इट्स नॉट व्हाट अवार्ड आई गॉट, इट्स नॉट एनी ऑफ दैट, इट्स हू आई गॉट द अवार्ड फ्रॉम।
आज मेरे काम ने मुझे स्टेज पे हरभजन सिंह के बाजू में खड़ा किया. यू नो आई हैव ऑलवेज सीन हिज अ हीरो ऑफ माइन. सो इट वाज वेरी कूल. इट वाज kudos to him for yaar. It was amazing. He was here for us and gave all of us awards. To काफी encouraging था. अच्छा लगा यार. It's बच्ची man. It's amazing. Life changing moment. I think there have been many, but जब से I've started working in television, there are lot many people, like if I'm playing this character right now, Katha, तो ऐसे बहुत सारे लोग I've come across जो आके बताते हैं that I'm a single mother, I have brought up my child all alone, yeah. So, and they tell me that they get lot of courage when they see my character doing well in life and struggling and living and giving a good life to the child. So I think all these experiences give me a lot of courage in life. For me, it has to be your one of my family members is mere sabse harshest critic, aur bahut harsh, but he loves me to death. But is show mein ek din aaya when he called me up and he's like, Adnan, today you are outstanding. Ooh. That moment allowed me to believe ke ek na ek din I can do it, you know. I can. You already doing it. That what is, you can do it. Thank you, but that's major credit. My co-star, my director, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा credit मेरे director को ज़्यादा है. But हाँ, that was the life-changing moment for me. When that person called me, the same person जिनकी ऐसे नहीं कि demean करने के लिए वो मुझे criticize करते. It wasn't any of that. He's just very honest, and his idol is Dilip Kumar. So now you've got someone who's the king of being subtle, who's the king of being a princely, charming actor, and I'm being compared there. So ek din jab unke muh se nikla ki Adnan, you did well today, that was a very that was a moment when I was like, real mein belief aane laga. Yeah, ye Aditi boli, bahut acha boli, very nice. So in our show Katha Ankar, the story is going forward. Katha aur Vyan ki shaadi hone wali hai, and things are going nice, but जो past में कुछ भी जो problems थे वो कहीं ना कहीं जो किसी को नहीं पता है वो वापस से निकल के आएंगे, and it might create some problem like what happens in TV shows. Thank you. Thank you so much. Hey, you know, क्या करना? Sir, congratulations. उस कैमरे पे देख के बताइए कि क्या कुछ कहना चाहेंगे आपको award मिला. Hello friends, myself Rahi Ramesh Yadav, signature astrologer, signature yoga meditation guru. आज टाइम्स अपलोड में 2 सितंबर 2023 को हरभजन पाजी जो कि 2011-12 में मेरे साइंस के फॉलोवर थे और उनके हाथों से मुझे सम्मान मिला, आनंद आ गया. पूरे हिंदुस्तान के पोस्टी लोग यहाँ पे हैं, उन सब के बीच में यह अवार्ड को लेते हुए. और हरभजन पाजी द ग्रेट ह्यूमन बीइंग, उन्होंने हमारी 2011-12 की जब हमारे साथ में काम करने की कहानी सारे लोगों को सुनाई तो मेरा रोम रोम खड़ा हो गया. And this moment is, I think so, one of the best moment में life में जो add on करते हैं, तो ये भी एक add on हो गया. और मैं time slot को बहुत ही बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना शानदार आयोजन किया और लोगों को प्रेरणा दी कि वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करें, अच्छा करें. और ये सम्मान जो आज time slot अपलॉड के माध्यम से मुझे मिला, हरभजन सिंह जी के हाथों से मिला, तो ये मेरे लिए मेरी जर्नी बताता है कि आने वाले टाइम में ये सम्मान मुझे राष्ट्रपति भवन में भी मिलेगा और देश विदेश में मिलेगा. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. अपना सिग्नेचर जरूर चेक करवाएं. सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन का बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है. सिग्नेचर योग मेडिटेशन करें, अबंडेंस में हैप्पीनेस, सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी लें. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. यस जरूर. टाइम अपलॉड्स ने जो इंस्पायरिंग लीडर का अवार्ड दिया है, डेफिनेटली इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए ये एक बड़ी मायने वाली चीज़ होगी, क्योंकि आने वाले अगले 25 सालों में इंश्योरेंस में 2047 तक हमें हर एक भारतीय को इंश्योर्ड करना है. इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ और ये करते रहूँगा. थैंक यू. थैंक यू फॉर दिस अवार्ड, एंड आई एम रियली
thankful to everyone, basically my parents and my God and my wife, to give the support and everything. And we have been doing really good in the field of solar, and hopefully, going ahead, all the targets and goals that we have set for our company, we'll be achieving that in 24 to 48 months. So we'll be coming up to become a 1,000 crore company in 24 months. Thank you. सो ऑफकोर्स मैं ये मानता हूँ कि एज एन एक्टर मैं जितने भी किरदार निभाता आया हूँ इतने सालों से, उसे कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पायर किया है, चाहे वो बालवीर का किरदार हो, चंद्रशेखर आज़ाद का किरदार हो, या फिर भगवान स्वामी नारायण का। तो जितने भी किरदार पिछले 18 सालों में मैंने निभाए हैं, कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पायर किया है, तो इसलिए आज ये इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड मिलना एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। और साथ ही साथ मैं तो ये मानता हूँ कि जितना भी आप लोगों को इंस्पायर करें उतना कम है, तो बस इंस्पायर करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और दूसरों के जीवन में अपने इंद्रधनुष से रोशनी फैलाते रहिए। थैंक यू। इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2023 की इस प्यारी सी ट्रॉफी को लेने के बाद अब ये समझता हूँ कि जीवन में जिम्मेदारी और बढ़ गई है, जोश आ गया है, इंतजाजम आ गया है, और मुझे लगता है कि ऐसे ही काम करते रहना चाहिए ताकि अवार्ड और रिवॉर्ड मिलते रहें और ज़िंदगी में काम अच्छे अच्छे होते रहें। और हम भी गदर मचाते रहे, मतलब भारत माँ की कर कदर तू, वरना देश के दुश्मन भारत का बच्चा बच्चा मचा देगा गदर तू। गाली गलौज फिल्म जो आ रही है वो सितंबर में आ रही है OTT पर, और फिल्म में कोई गाली गलौज नहीं है, टाइटल गाली गलौज है, लेकिन आज के सभ्यता पर जो OTT पर ये भाष्य करती है आपको बहुत पसंद आएगी, विद फैमिली जरूर देखिए, कॉमेडी फिल्म गाली गलौज। लव यू ऑल, थैंक यू। Thanks Times Applauds. It's really amazing to be here. You are inspiring so many people in the various field. I have seen so many, you know, people from many many different fields, and you keep inspiring them. I'm congratulate to you on this beautiful event. Thank you. Pablo, come here, beta. Pablo. I would like to thank the jury of Times Applaud and Inspiring Leaders Awards 2023 for giving me the Best Nutritionist and Lifestyle Coach Awards, which is, by the way, really amazing, and that will definitely keep inspiring me to guide people to achieve their health and, you know, achieve their goals if it comes to weight. So yeah, right now my nutritionist talk show has released on Tata Fly Fitness 101, and D2H and Dish TV it will release just now in September. So I'm very excited about this because it will help a lot of people to live a more healthier and better life and lose, of course, the unwanted inches, which is, you know, definitely something a lot of people want to do nowadays. Thank you so much. आज के शो को लेकर ये बोलना चाहूँगा कि हमें पता नहीं होता जब हम काम करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमें बस हमारा गोल पता होता है, और उसी के थ्रू हम इंस्पायर करते हैं किसी को, और इंस्पायरिंग लीडर का ये अवार्ड मिला हुआ है। सो दिस अवार्ड गोज़ टू माय मॉम एंड डैड, माय फ्रेंड्स जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, ऑल माय फैंस, एंड यस माय गुरु टेरेंस लुइस, तो ये सारा अवार्ड उनको जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्ते एवरीवन, बहुत अच्छा लगता है, मगर एस्ट्रोलॉजी जो एक ऐसा है कि यह हमारा खानदानी काम है, जो अभी ऑलरेडी फेस रीडर हो गया, अस्त्र फार्म रीडिंग हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, बहुत सारा 6 विद्या पे हम ये सब देखते हैं, और आज के दिन बेस्ट एस्ट्रोलॉजर उनके जो आप बुला के अवार्ड दे रहे हैं,
बहुत अच्छा लगा कि हम तो सार्वजनिक सेवा करना चाहते हैं, तो ये हमारा खानदानी काम की वजह से ये हर इंसान नहीं कर सकता। ये गार्ड भी हमारा नसीब ऐसा है कि ये सब एक ही जगह पे सीखने के लिए मिला और एक चार पांच पीढ़ी से हमारा काम चल रहा है। तो आज के दिन जो ये सब कितने अच्छे अच्छे लोग एस्ट्रोलॉजर, फिरफान रीडर, फेस रीडर, न्यूमरोलॉजर, थैरोकार, बहुत लोगों को आप पहचान के अवार्ड देते हैं, तो उसमें से ये चार पांच विद्या जो है ये हमारा खानदानी काम है, इसके वजह से आप पहचान के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर मिल के आज बुला के अवार्ड दिया है। थैंक यू, धन्यवाद। यार कोई भी आदमी मेहनत करता है तो उसको मेहनत के दो चार तरीके के परिणाम मिलते हैं, या तो वो कुछ कमाता है या नाम बनता है। उसके अलावा जो चीज़ आदमी को मेहनत करने के लिए या काम करने के लिए इंस्पायर करती है वो होता है अप्रिसिएशन। तो अवार्ड जो है वो एक तरह का अप्रिसिएशन है, वो कोई भी देता है तो अच्छा ही लगता है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर टाइम्स अपलॉड ने बहुत सारे लोगों को अलग अलग फील्ड से ढूंढ कर उनको फेलिसिटेट किया है, सो आई एम वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा और बहुत इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, क्योंकि टाइम्स अपलॉड का इंटेंशन बहुत अच्छा है, अलग अलग तरह के अलग अलग फील्ड्स के लोगों को इकट्ठा किया है, तो नेचुरली आई एम हैप्पी। मेरे दो तीन सीरीज़ और आने वाले हैं, एक नेटफ्लिक्स पे आएगा, एक सोनी लिव पे आएगा, और एक मैं टेलीविज़न शो भी कर रहा हूँ जिसका नाम है पुष्पा इम्पॉसिबल, तो सब लोग देखिएगा। थैंक यू, थैंक यू। आई एम सुपर हैप्पी टुडे और इट्स अ पॉजिटिव आज का दिन, आफ्टरनून बहुत पॉजिटिव है, सुपर हैप्पी एंड आई गॉट दिस अवार्ड फ्रॉम हरभजन फॉर माई नेक्स्ट फॉर माई वीडियो, सो इट्स सुपर सुपरली अमेजिंग फील एंड अच्छा लगता है जब अप्रिसिएशन मिलता है, अच्छा लगता है जब आपके काम को लोग सराहते हैं, सो आई एम जस्ट इन लव विद दिस। देखिए 8th को आप सबको ऑब्वियसली इनवाइट आ जाएगा दो दिन में, तो 8th को वी आर लॉन्चिंग आवर सॉन्ग, सो आई थिंक इट्स अगेन ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, सो मे बी इट्स गोइंग टू बी जैसा आपने दूसरे अगले वीडियो को मेरे प्यार दिया, आई थिंक एंड आई होप कि आप और नेक्स्ट कमिंग प्रोजेक्ट्स को भी दें। थैंक यू। अपनी बेटी इतनी आगे बढ़ गई है, देन सेकंड जो अवॉर्ड मिला है हरभजन सिंह के आपके, तो डेफिनेटली माँ को तो खुशी मिलती है और हर कदम पर हर साथ में उसके साथ में रहती हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन। है ना जो भाइयों फोटो ही ले रहा है ना, कैसे नहीं अच्छा लगेगा बताइए आप। एक तरफ हरभजन सिंह है जो हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करते रहते हैं, और एक हम लोग हैं उनसे इंस्पायर होकर के हम लोग ये काम करते हैं, जो 75 के एज में हरभजन जी ने कहा कि हम आपसे इंस्पायर होते हैं, मैंने कहा हम आपसे इंस्पायर होते हैं। ये इंस्पायरिंग अवार्ड जो है रियली इंस्पायरिंग था, मुझे अंदाज़ा नहीं था, अशोक श्रीवास्तव जी ने जब मुझे बुलाया तो मैं आने को तैयार नहीं था, क्योंकि मुझे मीरा रोड वागले की दुनिया के लिए जाना पड़ता है, उनसे छुट्टी लेनी पड़ी क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता, सुबह का काम वहाँ शूट होता है, इस वक्त इन्होंने यहाँ सुबह ही बुला लिया, जनरली अवार्ड सब शाम को होते हैं, पर अशोक जी ने बुलाया तो सर के बल आना पड़ा, और इनके ऑर्गेनाइज़र को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम किया, हर फील्ड के लोगों को इन्होंने इंस्पायर किया, धन्यवाद। आपका तो मुँह नकाब में है। जरूरी है सर। थैंक यू। क्रेडिट गोज टू माई फ्रेंड एंड माई स्टाइलिस्ट क्रिश,
he has styled me and he has been there. Today it was very difficult to manage to reach till here, and I'm really happy with Abhay and everybody who has invited me, the PR team. So thank you so much and thank you for this honor. There was a moment when I used to think कि मुझे अपने घर में award रखना है, and आज ऐसा time है कि मुझे ये सोचना पड़ता है कि अब रखूँ कहाँ पे, जगह कहाँ है. So I'm super happy क्योंकि हम लोग ना रोज़ मेहनत करते हैं और जब हमें awards मिलते हैं तो ये हमें push करता है कि we need to start working hard again. We can't rest. So that is something which I really believe in, and I'm super happy to have this. And ये अलग push दे रहा है कि नहीं मानिया, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है. लाइफ चेंजिंग मोमेंट, ये वन थिंग, इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, आई थिंक एवरी डे. टूडे वेन आई वॉज कमिंग हियर, इट्स अ वेरी लाइफ मोमेंट. वेन आई वॉज कमिंग हियर देर वॉज नो होप कि मैं यहाँ पहुँच पाऊंगी, बट देन वी डिड मैनेज एंड मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, तो वो चीज़ मेरे लिए हर मोमेंट एक लाइफ चेंजिंग ही रहता है कि नहीं यार आगे तो कुछ बड़ा ही करना है, इधर नहीं रुकना. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you so much. मैं यही कहना चाहूँगी कि एक्टर्स अपनी ज़िंदगी में क्या हुआ, मैं यही कहना चाहूँगी कि इट फील्स ग्रेट टू रिसीव सच एक्नॉलेजमेंट एज एन एक्टर. आप बहुत से दिन ऐसे होते हैं व्हेन यू फील दैट यू वांट टू डू बेटर वर्क एंड यू डोंट फील द मोटिवेशन विद इन, तो ऐसे अवार्ड्स के साथ एक पैट ऑन द बैक मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है टू कीप डूइंग व्हाट यू डूइंग, टू कीप वॉकिंग ऑन द राइट पाथ. एंड विद दिस अवार्ड आई विल वर्क हार्डर एंड इंस्पायर मोर पीपल, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू बी अलाइव, यू नो आई एम सो ग्रेटफुल टू बी हियर अमंग सच एस्टीम्ड एक्सपीरियंस्ड पीपल, इंस्पायरिंग पीपल, एंड टू बी गिवन दिस अवार्ड बाय बज्जी सर, who is himself such a powerful personality, and he's done so much for our country, and it's a very privileged moment for me. So thank you Times Applaud for this. Any? Yes, I recently completed my web series online with Friday Film Storytellers, Neeraj Pandey sir's production, and it will be coming soon on Amazon Mini TV. Thank you. चालू हो जाएगा. दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम हरिओम दायमा है और मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो हम लोग रेनाटस वेलनेस से हैं, ये जो रेनाटस नोवा है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और ये नैनो टेक्नोलॉजी में बना हुआ है. एक ही प्रोडक्ट पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक काम करता है दोस्तों. तो मैं सारे देशवासियों से यही विनती करूंगा, अगर कभी वो रेनाटस खाएंगे तो हमेशा हेल्दी रहेंगे दोस्तों. वाकई में बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, आज मेरी लाइफ चेंज की है रेनाटस वेलनेस ने. तो मैं डॉक्टर सुब्रत दत्ता को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा. जय हिंद, अनंत काल तक रेनाटस रोक करता रहेगा. नमस्कार. सर बहुत अच्छा लग रहा है. मैं अपना, मेरा नाम डॉक्टर रेशमा है, मैं पुणे से हूँ बेसिकली, और हम लोग एक कंपनी में वर्क करते हैं, रेनाटस वेलनेस उस कंपनी का नाम है. और दोस्तों उसी कंपनी के थ्रू मुझे आज मेरी फील्ड छोड़ के किसी और फील्ड से अवार्ड मिल रहा है. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, और मुझे ये जो मूवमेंट्स है मेरे लिए, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मूवमेंट है. थैंक यू वेरी मच. पहले तो मैं सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अवार्ड मिला. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. आई हैव ऑलवेज बीन वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग, एंड डांस के लिए अवार्ड मिला, सो आई एम इवन मोर हैप्पियर, एंड इट्स लाइक वैलिडेशन फॉर ऑफ सम लुकिंग. आई थिंक वो सबसे बेस्ट, और आज इंडिया पाकिस्तान की मैच है गाइस, तो इसके बाद हम वो देखने वाले हैं. सो आई एम रियली एक्साइटेड, एंड उसके पहले मुझे हरभजन सर से अवार्ड मिला है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है. सो आई थिंक आज इंडिया जीतेगी, और आज बहुत ही फटे दे. थैंक यू. I'm good, how are you? I'm really happy and grateful to receive this award by Harbhajan Singh sir himself. And it's an honor to come here and receive awards. Jaisa ki main kehti hu ki mujhe jitne awards milte hain, I'm always really grateful and really happy to receive each and every one of them.
बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ. आई फील वेरी यू नो ऑनर्ड एंड वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस अवार्ड फ्रॉम यू. यस, अभी मेरी म्यूजिक वीडियो जल्दी रिलीज होने वाली है एंड अभी 2023 तो बहुत बाकी है तो 3-4 ब्लॉकबस्टर्स तो आने ही चाहिए ना. जो मैं काम कर रहा हूँ कहीं पे हमें अगर कोई अप्रिशिएट करता है तो बहुत अच्छा लगता है. तो उसी तरह से मेरा फीलिंग है और मुझे बहुत गुड फील हो रहा है. और जो मैं काम कर रहा हूँ इसके लिए मुझे प्राउड हो रहा है मेरे खुद के ऊपर और जोश आएगा कि ताकि मैं आगे जाके और अच्छे से काम कर पाऊँ. थैंक यू. It feels great. We are the biggest snow park in India, and I am receiving this award on behalf of Mr. Guru Prasad. Yeah, it was a pleasure. It gives me immense pleasure to receive the award from him. Snow Kingdom coming at Indore. We are already established in Mumbai, Chennai and Hyderabad. Thank you. Hello everyone, I am Varun and I am very happy that I am getting an award. Thank you so much Times Upload team and Inspiring Leaders Award for this award for the best child actor for my film Tulsidas Jr. for which I had won a national award from a president. बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच. इट्स एन ऑनर एंड आई जस्ट होप कि आई जस्ट मेक प्राउड एवरीवन एंड सी व्हाट द मूवी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. रॉकिंग ग्रेनेडर्स. मैं मनीषा अम्बुबे कोल्हापुर निसर्गोपचार डाइटिशियन. आज बहुत साल से हेल्थ इंडस्ट्रीज में काम कर रही है लेकिन आज का दिन ये मेरे लिए बहुत बहुत खुशी का दिन है. आज थैंक यू फॉर सुब्रत दत्ता सर जिन्होंने आज ये मान सम्मान के आगे भी जाके कुछ तो हमें दिया है. उनके लिए बहुत बढ़िया खुशी मतलब है मेरे मन में. तो रिनाटस के सभी लोगों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है आप सभी को. आज से आगे तक हम यही रिनाटस जिएंगे और लोगों को जीने देंगे. ऑल गुड. I feel so good to be here and award है India's Got Talent Film and Fashion Influencer का. So yes, I think जब award हो Inspiring Leaders 2023, so I think I'm inspiring youth these days too much in terms of fashion, in terms of dancing and so many things all together. So better you ask like how I inspire you guys. Thank you so much. She is there to support me, I think. So, but yes, I think next year she is gonna be the hottest influencer of the year. Yeah. मतलब बहुत ग्रेट फीलिंग है और पुणे से स्पेशली आया मैं. दुबई में था परसों. उनका कॉल आया कि आपको आना है और इतना प्यारा इन्वायरमेंट है और 100% बहुत अच्छा लगता है जब आपको अप्रिसिएशन मिलता है. बेस्ट फर्नीचर का हमको अवार्ड्स मिला है जैसा कि आप सबको पता है जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे. थैंक यू सो मच. और मैं बोलता हूँ कि ऑलवेज़ बार बार यही बोलूँगा कि अपने देश के हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करिए. जब एक फर्नीचर बनता है तो उस पर कई सारे लोग हमारे हिंदुस्तानियों का ही घर चलता है. जब आप बाहर से लेकर आते हो तो वो विदेश जाता है. बस यही बोलूँगा. और थैंक यू सर. हेलो, नमस्ते. आई एम पारुल एस्ट्रोलॉजर. आई वुड लाइक टू थैंक्स टाइम्स ऑफ लॉर्ड for inspiring leaders awards 2023. Thank you so much. Thank you. यही कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस अवार्ड के लिए चुना. और ये अवार्ड उन सारे एक्टर्स को है जो मेरे गले गले में है.
तो थैंक यू वेरी मच इंस्पायरिंग अवार्ड, थैंक यू वेरी मच इस अवार्ड के लिए, थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू. मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इतने सालों के बाद, 30 सालों के बाद एक अवार्ड मिलना बहुत अच्छी बात है. लेकिन अब सिर्फ ये अवार्ड सिर्फ मेरे लिए नहीं है, इट्स टू शो एवरीबॉडी कि 30 साल के दौरान बहुत लंबी दौर होती है एंड टू कीप योरसेल्फ अबव एवरीथिंग एल्स इज क्वाइट अ चोर. सो जस्ट कीप मूविंग ऑन, कीप ग्रोइंग एंड कीप डूइंग योर बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. बाजी प्रेजेंटर हैं आप, बहुत सारे लोगों को आज आपने अपनी जगह से अवार्ड दिया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना बड़ा मोमेंट होता है आपके लिए? आई एम सो ग्लैड टू बी हियर. मेरे हाथों से अवार्ड किसी ऐसे परफॉर्मर को मिल रहे हो जिन्होंने जीवन बहुत अचीव किया है. सब यहाँ पे मेहनत करके पहुँचते हैं और अपने अपने कर्म से पहुँचते हैं, और उन सब अवार्ड विनर्स को और जो उनकी तरह बनना चाहते हैं या मेरी तरह बनना चाहते हैं, उन सबको मैं यही कहूँगा कि जीवन में हार्डवर्क जो है वो सबसे ऊपर है, वो करते चलिए जाइए, बस बाकी ऊपर वाले के हाथ छोड़ दीजिए. सब अवार्ड विनर्स को और जितने आए लोगों को जिन्होंने मुझे सम्मान दिया उसका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. बाजी आज बस कुछ ही घंटे बाकी रह गए इंडिया पाकिस्तान का मैच, सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार. आज वहाँ भी अवार्ड मिलेगा इंडिया को, इंडिया जीतेगा. बहुत बहुत शुक्रिया सबको. थैंक यू. देखो सबसे पहले मैं बता दूँ, अव्वल मदान, फाउंडर ऑफ अव्वल इंग्लिश डॉट कॉम. जो लोग हिंदी मीडियम से हैं उनको इंग्लिश सिखाना, उनको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाना ताकि वो अपनी लाइफ में वो स्किल्स सीख के ग्रो कर सकें, वो मेरा काम है. जहाँ तक इस इवेंट की बात है, टाइम ऑफ लॉर्ड का जो इवेंट है हमेशा वंडरफुल इवेंट होता है, क्योंकि वो लोग टैलेंट को निकाल कर उनको अप्रिशिएट करते हैं, और जब टैलेंट को अप्रिशिएट किया जाता है तो वो टैलेंट और आगे बढ़ के देश की ही सेवा करता है, देश के ही काम आता है. सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट टाइम्स ऑफ लॉर्ड फॉर दिस इनिशिएटिव एंड कीप डूइंग ग्रेट वर्क. ऑल द बेस्ट. Chief scientists from the organizations, we have developed lots of nutraceutical with the help of nanotechnology, which can create a therapeutic delivery. But it's a food, but having a therapeutic delivery, so it will create a marvelous things. From we actually belong it from the nature, right, and serve it to the normal humanity. So this is our the minimum. आप अगर बोल सकते हैं तो ये प्रचेष्टा है आप सब लोगों के लिए. जो लोग रेनेटस वेलनेस के साथ जुड़े हुए हैं वो लोग, हम हमारे तरफ से एक चीज़ इंश्योर कर सकते हैं कि रेनेटस वेलनेस है तो स्वास्थ्य रहेगा और समृद्धि भी रहेगा, क्योंकि रेनेटस वेलनेस के साथ स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों एक साथ ही जाता है. थैंक यू. रॉकिंग रेनेटस टू ऑल. 14 साल से इंडस्ट्री में हूँ और रेनेटस वेलनेस के साथ 5 साल से काम कर रहा हूँ और बहुत बड़ी कामयाबी मिली यहाँ पे, और हमारे कंपनी के सीईओ डॉक्टर सुजप्ता सर के वजह से हम यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा अवार्ड मिल रहा है. तो सर के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा. रॉकी रेंडर्स. आज लाइफ का मेमोरेबल डे है, कितना बढ़िया ट्रॉफी मिला रेनेटस वेलनेस की वजह से. और थैंक यू रेनेटस वेलनेस, थैंक यू दादा, और थैंक यू टाइम्स एप्लॉड. थैंक यू. रॉकिंग रेनेटस. दोस्तों मेरा नाम हरिओम दायमा है और मैं धन्यवाद करूंगा दादा को. रॉकिंग रेनेटस. दोस्तों मेरा नाम हरिओम दायमा है और मैं दादा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं. लव यू दादा. आपके माध्यम से जो आज मुझे अवार्ड मिला है, मेरी शक्ति कई गुना बढ़ चुकी है, और मैं सारे रेनेवेंस को एक मैसेज देना चाहता हूं. दोस्तों सीखिए और नंबर वन बनिए. थैंक यू. जय हिंद. अनंत काल तक रेनेटस रॉक करता रहेगा हमारा आपका सभी का रेनेटस. जय हिंद. वाओ. एक तो पहले फोटो लेना ना. बट दिस इज थैंक यू आपकी आपकी टीम को सर, सुब्रतो सर आपकी टीम को बोलना नेक्स्ट टाइम भी रहे, नेक्स्ट शो में भी, और धमाल मचाए. दिस इज वेरी वेरी स्पेशल. एट फर्स्ट दिस लवली बुके इज गिवन बाय हरभजन सिंह जी, हु वाज अ ऑनरेबल चीफ गेस्ट
here at our prestigious Times Applauds Inspiring Leaders Awards. And this is a huge honor for me. It's a video. This is a huge honor for me as I received this very, very prestigious award by Times Applaud for my film Simran, after having won the USA Global Film and Music Festival Award and the Hong Kong International Youth Festival Award. This is for my film Simran, so this is very, very precious and special. So thank you very much, Times Applaud, and thank you Harbhajan Singh ji. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. पिछले 15 सालों से मैंने अराउंड मोर देन 85,000 लोगों को मैंने ट्रेन किया है, राइट? एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. थैंक्स लॉट फॉर दिस वंडरफुल अवार्ड. एंड मैं हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे स्टॉक मार्केट फील्ड में, और ज़्यादा लोगों के लाइफ में हम लोग महाराष्ट्र में हम लोग फॉर श्योर कॉन्ट्रीब्यूट करते रहेंगे. थैंक्स लॉट. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. आज का जो दिन बहुत ही मेरे लिए खास दिन है, जो आज मुझे हरभजन पाजी के हाथ से जो अवार्ड मिला है, ट्रॉफी मिला है, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा. और ये जो ट्रॉफी मिला है, इसका हम लोग हमारे फील्ड में जाकर बहुत ही अच्छे से प्रमोशन करेंगे और हमारे एफर्ट्स को बढ़ा के बहुत बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करेंगे. क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है स्वस्थ और समृद्ध भारत, वो स्वस्थ और समृद्ध भारत बनाने के मिशन में हम लोग जो चल पड़े हैं, उसको हम लोग एंड यूजर तक, घर घर तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे. और एक क्षण हम लोग कभी भूलेंगे नहीं. रॉकिंग रेनेटस. सारे लोगों को एक बार दिखाइए, मेरा मुंबई टीम है. और नॉट ओनली दैट मुंबई टीम, इट्स महाराष्ट्र टीम. सो द ग्रेट महाराष्ट्र टीम. तो यहाँ पे हम लोग रेनेटस वेलनेस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ये हमारा एक स्टेप था, ये हमारा एक शुरुआत था. तो यहाँ से हम सारे लोग ये ओथ लेते हैं कि महाराष्ट्र को नंबर वन लेके जाएंगे. एवरी डे हम नए नए काम करेंगे. महाराष्ट्र का जो 36 डिस्ट्रिक्ट है, 36 डिस्ट्रिक्ट का हर जगह पे हमारा स्टॉक पॉइंट होगा. यस और नो? हर जगह पे हम लोग पहुंचेंगे. सिटी टू सिटी, गांव टू गांव, हर पिन कोड में आप अपना प्रोडक्ट पहुंचाएंगे. सो थैंक यू सो मच. मुझे बहुत अच्छा लगा ये. और थैंक्स टू टाइम्स अपलोड एंड थैंक्स नितिन भाई फॉर ऑनर अस. रॉकिंग. थैंक यू सो मच. दोस्तों नमस्कार. मैं आज बड़ा खुश हूँ. हरभजन जी ने मुझे जो अवार्ड दिया है, वाकई में बहुत मुझे खुशी है. और मैं डॉक्टर सुब्रत दत्ता सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया रेनेटस वेलनेस के माध्यम से. तो मेरे जितने भी रेनोवियंस हैं मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सभी से बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों रेनेटस खाइए और दुनिया को रेनेटस खिलाइए. वाकई में अगले बार आपको अवार्ड मिलने वाला है. जय हिंद. अनंत काल तक रेनेटस रोक करता रहेगा. नमस्कार. अरे सर, आपको तो एक फोटो लेना था आपके. जय हिंद. आवाज नहीं आ रही है. फर्स्टली आई वुड लाइक टू गिव थैंक्स टू ऑलमाइटी गॉड एंड माय पेरेंट्स फॉर मेकिंग मी कैपेबल एंड टू डू जस्टिस टू माय ड्यूटी. सेकेंडली आई वुड लाइक टू थैंक टाइम्स अपलोड एंड मिस्टर तौसीफ पटेल फॉर एंड हिज टीम फॉर कॉलिंग मी हियर टू एक्सेप्ट दिस अवार्ड. बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपने काम, अच्छे काम के लिए सराहना करता है, शाबाशी देता है. बहुत अच्छा लगता है और कुछ वो इंस्पायरेशन होता है कि हम आगे जाके जो सेवा देश की कर रहे हैं, ये इसे भी और अच्छी सेवा हम आपको दे सकते हैं. मैं अच्छी. आप लोग कैसे हो? बहुत दिनों बाद.
सर ये है इंस्पायरिंग लीडर अवार्ड्स, ये पॉपुलर फेस इन टेलीविजन, और ये है मेरा सर्टिफिकेट, और ये दिया है हरभजन सिंह जी ने, और आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू एवरीवन फॉर कंसिडरिंग मी वर्दी इनफ फॉर दीज अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स. बहुत बहुत अच्छा फील होता है, और अब तो मुझे मम्मी ने आदत डाल दी है, क्योंकि मैं जब से जूनियर केजी में थी तब से ही अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स और मेडल्स जीत रही हूँ, तो अब जब नहीं मिलते तो अजीब लगता है. एक्चुअली मैंने काफ़ी अच्छा खासा ब्रेक ले लिया था लॉकडाउन के बहाने, मैंने अच्छा खासा ब्रेक ले लिया, और अब मुझे घर से निकाला जा रहा है रोज़ के काम पे जाओ काम पे जाओ, तो अब मैंने फिर से ट्रैवलिंग शुरू कर दी है, इवेंट्स शुरू कर दिए, मीटिंग शुरू हो गई है. आई एम होपिंग टू मेक एन अनाउंसमेंट सून. थैंक यू सर. थैंक यू. Thank you.